नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयंती के मौके पर झारखंड के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दोनों महापुरुषों को किया नमन। वहीं चाईबासा में डीसी, एसपी और सामाजिक संगठनों और आम जनता ने दी श्रद्धांजलि। कोर्ट के आदेश के बाद कार्यमुक्त हुए मैट्रिक शिक्षकों ने निकाली शहर में रैली। न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का लिया संकल्प। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। जिले के सभी प्रखंडों में पदयात्रा कर जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के मौके पर पूरे झारखंड के लोगों ने याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। रांची में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। वहीं चाईबासा में उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के अलावा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने बापू और शास्त्री जी को याद किया। रांची में बापू वाटिका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद बापू के भजन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चरखा चलाते नजर आए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी सत्य, न्याय और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। वे नारी शिक्षा के पक्षधर थे। आज हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम बापू के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वर्तमान में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे मुझे प्रतीत होता है कि लोगों में मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। समय आ गया है कि इस परिवर्तन का, बापू के बताए मार्ग को आत्मसात कर बदलाव लाया जा सकता है। गांधी जी का जो सत्य न्याय के लिए जो जाने जाते थे, निष्ठा के लिए और नारी शिक्षा के वो पक्षधर थे, मुझे लगता है उसको अभी अपने आप को पूछना चाहिए। हम उसी दिशा में जा रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पे हम जा रहे हैं, क्योंकि आज देश में जिस तरह के न्यूज आ रहा है, महिलाओं के प्रति जैसा व्यवहार किया जा रहा है, मुझे लगता है हम लोगों का भी मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। सत्य, न्याय और अहिंसा का पक्षधर जो बापूजी, जिसको हम कहते हैं बापूजी का रास्ते भी हम चलते हैं, मैं आज केवल राजनेताओं के नहीं, सभी लोगों को, देशवासियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज वो समय आ गया कि 150 साल के बाद भी हम अपने आप को सुधारते नहीं, वो तो रोड रास्ता विकास का काम तो चलते रहेगा, लेकिन जब तो हम मानसिक परिवर्तन नहीं, अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, मानसिक रूप में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो देश का परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राष्ट्र की दो महान विभूतियों राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। ये देश निर्माण के शुरुआती दशक के योद्धा रहे हैं। वर्तमान और आने वाले समय में भी इनके जैसे व्यक्तित्व का मिल पाना नामुमकिन है। आज के दौर में कहीं ना कहीं उनकी कमी खलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ पीड़ादायक है तो कुछ खुशी की अनुभूति कराते हैं। सीएम ने कहा कि महान विभूतियों के विचार कभी नहीं मरते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक आचरण में इनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। आज एक नहीं दो दो महापुरुष का जयंती दिवस, बापू, महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का,
और ये लोग इस देश के निर्माण के शुरुआती दशक के वो योद्धा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में और आने वाले वक्त में भी इनके जैसे व्यक्तित्व, इनके जैसे विचार मिल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। आज कहीं ना कहीं इस वक्त उनकी कमी खलती है। निश्चित रूप से ऐसे महान विभूतियों के नहीं रहने से मुझे लगता है कई चीजों में, कई व्यवस्थाओं में बहुत अजीबोगरीब उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चाईबासा के गांधी मैदान में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त और अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के अलावा अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त ने कहा कि आज ऐसा दिन है जब हम बापू के विचारों, उनके आदर्शों और सत्य अहिंसा के पथ का अनुशीलन करके उनके संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प दोहराते हैं। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील किया कि गांधी जी की जयंती पर उनके जीवन दर्शन को ग्रहण करते हुए उनके दिखाए मार्ग से स्वयं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी पथ प्रदर्शित करें। गांधी जयंती के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग भवन सदर बाजार चाईबासा में खादी वस्तुओं पर 25% छूट दी जा रही है। विशेष छूट का शुभारंभ सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र कुमार बड़ाइक ने किया। खादी ग्रामोद्योग संघ की ओर से गांधी जयंती पर विशेष छूट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बापू और शास्त्री जी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों के बीच खादी के मास्क का वितरण किया गया। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सभी चाईबासा वासियों को ढेर सारा शुभकामनाएं देते हुए गांधी का आज भी उनका प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी एक बहुत बड़ा पहचान बना के रखे हैं और गांधी का ही हर चीज गांधी की तरह हम लोग रहे। 20-25% छूट आज का दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती में देते हैं और बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं। गांधी जयंती के मौके पर नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों द्वारा जिले के हर प्रखंड में स्वच्छता अभियान चलाया गया और फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत दौड़ का आयोजन किया गया। स्वयं सेवकों ने सड़कों के किनारे साफ सफाई की और कचरा को डस्टबिन में डाला। जिला युवा समन्वयक क्षितिज ने युवाओं को खेल के द्वारा फिट रहने का महत्व बताया। दैनिक रूप से 1 घंटे व्यायाम करने की सलाह दी। कोरोना से बचाव के लिए भी खुद भी जागरूक रहने और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा। क्षितिज ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है, इसे फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है मास्क पहनना। स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम और मंच के सदस्यों ने गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा पर और खादी ग्रामोद्योग भवन में बापू और शास्त्री जी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान देश के सभी नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता यहाँ गांधी मैदान आकर के महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सभी कार्यकर्ता फूलमाला चढ़ाए। और क्योंकि महात्मा गांधी स्वदेशी के एक अच्छे विचारक थे, देश को स्वदेशी और ग्रामीण विकास के बहुत ही समर्थक थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये देश आज़ाद हुआ। इसलिए हम सभी स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता इस विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शहर के SPG मिशन बालक मध्य विद्यालय में गांधी जयंती मनाई गई। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकिशोर साहू और विद्यालय के अन्य शिक्षकों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजकिशोर साहू ने गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बापू के जीवन से हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सी बातें सीख सकते हैं। उनका जीवन और विचार आम जनमानस को प्रेरित करता रहेगा। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इप्टा के संस्थापक तरुण मोहम्मद, अध्यक्ष कैसर परवेज, सचिव संजय कुमार चौधरी, ताराचंद शर्मा और शिक्षक राजकिशोर साहू ने गांधी मैदान में राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तरुण मोहम्मद ने कहा कि गांधी जी ने जिस आदर्श राष्ट्र का सपना देखा था वह आज भी पूरा नहीं हुआ है, हमें उनके सपनों को साकार करना होगा। इसके साथ ही जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के त्याग और बलिदान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस देश में सरहद पर लड़ने वाले जवानों और खेत में काम करने वाले किसानों की स्थिति मजबूत होगी, उस देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कार्यमुक्त किए गए पश्चिमी सिंहभूम जिले के उच्च विद्यालय के शिक्षक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी मैदान में एकत्रित हुए। मैदान में उपस्थित शिक्षकों ने महात्मा गांधी की जयंती पर न्यायिक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। उच्च न्यायालय के आदेश से झारखंड राज्य के 13 जिलों में नियुक्त शिक्षक कार्यमुक्त हो गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश से पश्चिमी सिंहभूम जिले के भी 298 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। उच्च न्यायालय के फैसले से प्रभावित शिक्षकों ने अपनी सेवा को बहाल रखने के लिए फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाने का निर्णय लिया है। साथ ही झारखंड सरकार से भी इस निर्णायक लड़ाई में शिक्षकों का साथ देने के लिए अनुरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि सभी शिक्षक मेरिट से परीक्षा पास कर नौकरी प्राप्त किए हैं। इसमें से अधिकतर शिक्षक अन्य नौकरियों को छोड़कर राज्य सरकार की सेवा में आए हैं। इस स्थिति में सभी कार्यरत शिक्षकों को बचाना सरकार की जिम्मेवारी है। शिक्षकों का कहना है कि नौकरी चले जाने से उनके परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। उच्च न्यायालय के 21 सितंबर 2020 के आदेश से प्रभावित सभी 13 जिलों के उच्च विद्यालय के शिक्षक बीच मझधार में फंस गए हैं। इस स्थिति में कार्यमुक्त शिक्षक की कर्तव्य विमूढ़ है। और आज हम लोग सभी जितने भी नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं, पिछले दिनों जो झारखंड सरकार तरफ से जो नियुक्ति हुई थी उसमें हम सब बहाल हुए थे और जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत जो 21 सितंबर को आदेश आई थी उसके तहत हम सभी हाईस्कूल शिक्षक प्रभावित हुए हैं। और आज हम सभी इसलिए उपस्थित हुए हैं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कि इस गांधी के देश में हमें जरूर से न्याय मिलेगी, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जो भी प्रोसीजर था उसके तहत हम मेरिट में पास करके यहाँ आए हुए थे। हमारी बिना गलती के हमें सजा दी गई है। हम सभी पूर्व में बहुत सारे नौकरियों को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। साथ ही अभी इस स्थिति में हैं कि हम यहाँ से कहीं जाने लायक भी नहीं हैं। हमारी जो दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी, इतने सारे परिवार एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे हम में से लोन लेके रखे हैं, जो घर लोन या फिर इंश्योरेंस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें आगे चलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और ख़ास करके हम सभी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सभी यहाँ के मूल निवासी हैं,
और हमें उम्मीद है कि आज के दिन में इस गांधी के देश में हमें ज़रूर से न्याय मिलेगी, और इसी न्याय के तहत आज हम हमारे जो गांधी जी की प्रतिमा के यहाँ हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे और न्याय की गुहार करेंगे कि झारखंड सरकार आगे आए और हमें न्याय दे, और हमें उम्मीद है कि ज़रूर से हमें न्याय मिलेगी, क्योंकि हमारी ऐसी कोई गलती नहीं है। हमें जो भी प्रोसीजर दिया गया था मेरिट के तहत हम बहाली हुए हैं कि झारखंड के सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हम पढ़ाते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। शिक्षकों के प्रतिनिधि दीप्ति सिन्हा ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार का रवैया जो भी हो उससे शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन्होंने सेवा में योगदान दिए उन्हें कार्यमुक्त भी होना पड़ा। ऐसे में शिक्षक न्याय के लिए सरकार से भी अनुरोध करेंगे और उच्चतम न्यायालय भी जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे माल्यार्पण करने गांधी जी के लिए, उनके लिए हम लोग समर्पित भाव से जो कि काम भी करते हैं, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ विडंबना ये है कि हम लोगों को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हटा दिया गया है, हमें हमारी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा साथ दिया जाए, और साथ ही हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। तो इसलिए सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, सबसे ये हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा साथ दिया जाए और हमें न्याय दिया जाए। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारी लड़ाई नीति से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अपने खुद के लिए है। हम लोग अपना न्याय चाहते हैं, बाकी सरकार जा रही है वो नीति के साथ लड़ेंगी या नीति के ऊपर जो केस है उसका पक्ष रखेंगी, लेकिन हम लोग केवल इतना चाहते हैं कि हम लोगों की नियुक्ति हो गई थी और हम लोग काफ़ी अच्छे जगहों को छोड़कर भी इसको ज्वाइन किए थे, इस नौकरी को ज्वाइन किए थे, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय हो और हमारी जो नौकरी है वो सेफ रहे, हम लोगों को न्याय दिया जाए और हमें नहीं हटा। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गांधी और शास्त्री की जयंती को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान विरोधी कृषि कानून 2020 के खिलाफ सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना दिया। कांग्रेस भवन चैम्बासा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कृषि कानून के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस भवन से पदयात्रा करते हुए गांधी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। गांधी मैदान से पदयात्रा निकलकर सदर अस्पताल, सदर थाना, जैन मार्केट चौक, काली मंदिर होते हुए सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंची। पदयात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने कृषि कानून विधेयक वापस लेना होगा का नारा लगाया। इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देबू चटर्जी ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह और हिटलर की सरकार है। कृषि कानून से किसानों के खेतों खलिहानों को पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों को बेचने की तैयारी कर रही है। पिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। आज दो अक्टूबर गांधी जयंती का अवसर पर पूरा भारतवर्ष गांधी जी का जयंती का उत्सव मना रहे हैं। आज दुख की बात यह है कि गांधी जी का जो सपना था उस सपना को साकार होते हुए नहीं दिख रहा है। आज जो यूपी सरकार एक महिला की बलात्कार हुई है उस पर यूपी सरकार या बीजेपी सरकार ने उस पीड़िता महिला को अपने परिवार तक से अंतिम संस्कार के लिए रोका गया, ये बहुत ही दुखदायक है और गांधी जी का उद्देश्य का उल्लंघन हुआ है। इस पर पूरा भारतवर्ष दुखी है। ये भाजपा सरकार गांधी जी का सपनों का नहीं, ये गांधी जी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हम कांग्रेसीगण ये आह्वान करते हैं कि पुनः गांधी जी का सपनों का साकार करने के लिए बीजेपी सरकार को उकाड़ने की हम लोग एक प्रेरणा लेंगे और पूरा भारतवर्ष एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ देश का जो है
भारत बने, यही हमारा अंतिम बात है। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से शुक्रवार को सवा मासिक रक्तदान से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में 31 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान से जागरूकता शिविर का शुभारंभ उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार लिंडा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। इस मौके पर सदर एसडीओ शशिंद्र कुमार बड़ाइक, एसडीपीओ अमर कुमार पांडे, रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर वीना मुंदड़ा, सचिव हीना ठक्कर, कार्यक्रम के प्रायोजक गुरमुख सिंह खोखर, सुनीत खिरवाल, ब्लड बैंक के मनोज कुमार के अलावे स्वास्थ्य कर्मी और रोटरी क्लब के सदस्य शामिल थे। उपायुक्त ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि 100 माह तक रक्तदान का कार्यक्रम निश्चित रूप से मानवता के लिए वरदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिवस पर रक्तदान महान कार्य है। उपायुक्त ने कहा कि पुलिस लाइन में शीघ्र ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 100 महीने में अगर कोई होता है, मैं मानता हूं कि एक वरदान के रूप में रोटरी क्लब ने एक प्रैक्टिस यहां शुरू किया है। तो मेरी भी इग्नोरेंस से मैं बहुत दिन यहां था, लेकिन मुझे भी पता है कि रोटरी क्लब करता है ब्लड डोनेशन, बट मुझे नहीं पता कि हर महीने 1 तारीख को करता है। तो मुझे भी एक नया चीज़ की जानकारी मिली और मैं उम्मीद भी करूंगा, जैसे गुरुमुख जी ने बता रहे कि 200 बार, मैं उम्मीद करूंगा 500 बार भी हो यहां, और मैं जहां भी हूं मैं भी जरूर यहां हूं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रक्तदान शिविर का आयोजन कर बापू के अनमोल विचारों को सार्थक किया है। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़कर सबके हित के लिए अच्छा काम करते हैं। बधाई देता हूं, चाहूंगा कि आने वाले दिन में भी आप ऐसे काम करते रहें, और हमारा ही नहीं जिला का नाम भी ऊंचा रहे। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध हैं। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और
कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा की पहल पर टोंटो प्रखंड के नुर्दा पंचायत के नुर्दा गांव में देवरी साई, तांती टोला और बुरुसाई में एक बार फिर से बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। विधायक के प्रयास से तीनों टोला में 25-25 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर बिजली आपूर्ति बहाल होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के विकास की रफ्तार में पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों को जो नुकसान पहुँच रहा है लिए चिंता का विषय है। देखिए रिपोर्ट। दीवार पर बाघ एवं पेड़ पौधों की तस्वीर बनाते ये अधिकारी किसी पेंटिंग प्रतियोगिता में अपनी कलाकारी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों को संरक्षित रखने को लेकर संदेश दे रहे हैं। 21वीं सदी में विकास की जिस रफ्तार के साथ शहरीकरण एवं औद्योगिकरण की जो आंधी चली है उसने पर्यावरण और वन्य प्राणियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। एशिया के प्रसिद्ध सारंडा जंगल में बाघ सहित कई अन्य वन्य प्राणी लुप्त होने की स्थिति में हैं। तो माइनिंग गतिविधियों के शोर शराबे के कारण हाथी जैसे कई वन्य प्राणी गांव की ओर रुककर आम जनजीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जीवन चक्र की जो परिभाषा सदियों से स्थापित है उसकी कड़ी काफी तेजी से टूटती जा रही है, जो सबके लिए चिंता का विषय है। तो लोगों के बीच में लगातार यहाँ आदिवासी समाज में एक अच्छा एक कंपैशनेट फीलिंग वन्य प्राणी के तरफ था, लेकिन जैसा अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहे हैं, लोग आने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाते जा रहे हैं, कंपनीज आते जा रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी चल रहा है, तो इसके कारण कुछ एंडेंजर्ड होने की संभावना कभी भी बनी रहती है। इसीलिए लोगों के बीच में वो जागरूकता के साथ साथ वो एक सेंस ऑफ कंपैशन और एक अच्छा ओनरशिप हमारे वन्य प्राणी के तरफ बढ़ाने। अब जो अधिक एक जंगल है, बीच में कहीं माइनिंग आ गया तो अचानक से उनको डिस्टरबेंस आता है और हाथी या अन्य प्राणी अपने ओल्ड ट्रैक पे चलना चाहते हैं। अगर उनके रास्ते में अचानक से कोई एक माइनिंग आएगा तो उनको लगता है कि क्या होगा, तो वो अपना पाथ डाइवर्ट करते हैं। अगर वो रास्ता डाइवर्ट होता है तो फिर हाथी गाँव पहुँच जाते हैं, जिसके कारण से ट्रेडिशनल पाथ में चेंज होने की वजह से गाँव वालों से वहाँ जो लोकल गांव हैं, खेत हैं, उनसे उनका ज़्यादा अल्ट्रेशन मीन्स दोनों में द्वंद होता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ माइनिंग हो वहाँ पर चाहते हैं कि एक सेफ्टी जोन हो, अचानक हाथी को कोई गड्ढा में गिरने की नहीं पड़े। सेफ्टी जोन पे हम लोग आवश्यकता होती है फेंसिंग भी करवाते हैं, 7 मीटर्स का एक विड्थ रखते हैं। सरंडा जैसे माइनिंग एरिया में नॉर्मल ये कहा जाता है कि 2 माइनिंग के बीच 100 मीटर का जंगल रखे, डेंस फॉरेस्ट। विकास के नाम पर शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं माइनिंग गतिविधियों के कारण पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए वन विभाग की चिंता जायज है। भारत सरकार के वन मंत्रालय ने भी वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाए बिना माइनिंग गतिविधियों को करने का एक समेकित योजना देना सभी माइनिंग कंपनियों के लिए आवश्यक कर दिया है। उस गैप में डिफरेंट टाइप के वैरायटीज के स्पीशीज हों, प्लांट्स हों, ताकि उससे जो क्रॉस करते हैं एनिमल्स वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो ये हम लोग कोशिश की जाती है। इसके लिए भारत सरकार से भी काफ़ी सारे प्रबंध
किए जाते हैं। एक अभी कहा गया है कि सभी लोगों को साइट स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ प्लान बनाना है, जिससे किसी प्रकार का ऑल्ट्रेशन चाहे माइनिंग के कारण हाथियों पे हो या हाथियों के कारण माइनिंग को उसको दूर किया जा सके। इन सब के बीच वन विभाग ने माइनिंग कंपनी टाटा स्टील के साथ मिलकर पर्यावरण एवं वन्य जीवों को संरक्षण को लेकर अगले एक सप्ताह तक जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, जिसकी शुरुआत आज चाईबासा के उपायुक्त अरवा राजकमल ने दीवार पर पेंटिंग बनाकर किया। तो इस बार हम लोगों ने वॉल पे पेंटिंग के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए इसको चुना है, और इसमें हम लोगों को टाटा स्टील और चाईबासा वन प्रमंडल के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसमें कलेक्ट्रेट से लेकर वन भवन तक जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसके वॉल पे पेंटिंग की जाएगी। सरकार की ओर से माइनिंग कंपनियों को माइनिंग प्लान में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है, परंतु वन क्षेत्र माइनिंग कंपनियों द्वारा माइनिंग के दौरान पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों को पहुंचाया जा रहा जबरदस्त नुकसान कई सवाल भी खड़े करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और विश्व हृदय सप्ताह के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा की ओर से साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली का शुभारंभ मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाईबासा शाखा के सलाहकार सदस्य बलराम सुल्तानिया ने किया। टाउन क्लब से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई साइकिल रैली टाउन क्लब वापस पहुंचकर समाप्त हो गई। इसमें महिलाओं और बच्चों ने काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। अपनी साइकिल पर स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करते नजर आए। साइकिल रैली में करीब 60 युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम संयोजक आशीष चौधरी और अविनाश खिरवाल ने साइकिल रैली के सफल आयोजन के लिए सभी लोगों का आभार जताया। आज मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती और विश्व हृदय दिवस सप्ताह के ऊपर आज हमने एक साइकिल रैली निकाली थी, जिसमें हमने जनता को स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर जागरूक करने का प्रयास किया है। इस साइकिल रैली में करीबन हमारे 50 आदमी थे, जो कि साइकिल रैली हमारी टाउन क्लब से निकल करके सदर बाजार होते हुए रानी मैदान होते हुए वापस टाउन क्लब से समाप्त हो गई। और हम पंकज प्रिया डी न्यू साइकिल शो वाले के बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने मारवाड़ी युवा मंच को साइकिल प्रदान करके अपना आभार व्यक्त किया है। वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो वाहन में ले जा रहे 200 किलो आयरन ओर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ सदर थाना में झारखंड मिनरल रूल 2017 के तहत मामला दर्ज करते हुए नए हिरासत में भेज दिया गया। शहर में जिला पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच के दौरान स्कॉर्पियो वाहन J05AL3800 से 7 प्लास्टिक बोरा में खनिज पत्थर पाया गया। वाहन में सवार सरायकेला खरसवां जिले के आलोक कुमार पांडिहारी, महावीर साहू और मुकेश कुमार साहू से खनिज पत्थर को लेकर परिवहन चालान मांगे जाने पर कागजात नहीं दिखाया गया। तीनों आरोपी के अलावे वाहन के मालिक महान इंटरप्राइजेस के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को 23 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 44 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 3724 हो गई है, जबकि 3335 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 357 है। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 32 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। आज संक्रमित पाए जाने वालों में बड़ा जामदा से 5, चक्रधरपुर से 2, जगन्नाथपुर से 3, मंझारी से 1 और चाईबासा से 9 व्यक्ति शामिल हैं। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयंती के मौके पर झारखंड के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दोनों महापुरुषों को किया नमन। वहीं चाईबासा में डीसी, एसपी और सामाजिक संगठनों और आम जनता ने दी श्रद्धांजलि। कोर्ट के आदेश के बाद कार्यमुक्त हुए मैट्रिक शिक्षकों ने निकाली शहर में रैली।
न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का लिया संकल्प। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, जिले के सभी प्रखंडों में पदयात्रा कर जताया विरोध। आज के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।